वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फाइनली दो तीन दिन बाद दिवाली बढ़िया मनी। हैप्पी दिवाली टू ऑल द स्टूडेंट्स बिलेटेड। तो मुझे पता है कि सब लोग दिवाली से आज एकदम नई एनर्जी के साथ लगने वाले हो और बहुत सारी मस्ती किए हो। अब ये मस्ती को पढ़ाई में कन्वर्ट करते हैं आज से, ठीक। तो उसी मस्ती के साथ जो दिवाली में मस्ती किया, आज फिर वही मस्ती ले आए हैं। नाम है सर्किट थ्योरी। क्योंकि ये जो सेक्शन है, सर्किट थ्योरी हो गया, KCL हो गया, KVL हो गया, किसी सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताएंगे। वो टर्मिनोलॉजी सीखिए और हर जगह अप्लाई करिए, पूरा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल का, सेल के रिप्रेजेंटेशन का। जब भी सेल लिखना तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। इसको पॉजिटिव को क्या मानना है आपको, अमीर। दिस इज पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, दिस इज अमीर रिच एंड दिस वन ए गरीब, दिस इज स्मॉलर वन इज गरीब। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बाद में इसको समझेंगे कि इसका यूज कैसे लेंगे। ओके, एक चीज और समझेंगे कि मान लीजिए कि करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस आर, करंट यहां से ऐसे चल रहा है फ्रॉम ए टू बी, कहां से, फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे मान लो कि ये इधर से निकला है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इधर से आया होगा। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन में पहला पॉजिटिव मार्क करेंगे, दूसरा नेगेटिव। रजिस्टर में याद रखना, कहां पे, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में पहला रजिस्टर में आर लिखेंगे, दूसरा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मतलब कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई आर, क्या होता है आई आर। तो दिस इज आई पॉजिटिव नेगेटिव, सर पोटेंशियल ड्रॉप तो लिख लिया। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा या गेन होगा डिपेंडिंग अपॉन दी, अमीर से क्या हो रहे हो, पॉजिटिव से क्या हो रहे हो, गरीब हो रहे हो। जब भी अमीर से गरीब होगे तो क्या होगा, माइनस आई आर। सपोज आपको मान लो कि यहां से यहां चलना पड़े तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव। मान लो एक एग्जांपल बात कर रहे हैं, मान लो ये सेल है, मान लो कि किसी सर्किट में ऐसे है, आपने करंट कहीं से इधर से आ रही होगी, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब मान लो कि करंट की डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आप जिस लूप में चल रहे हो उसमें बाय द वे इधर से आप चलना चालू कर दिए, तो यहाँ गरीब है ये अमीर है, दिस इज, ऐसे लूप में चल रहे हो तो ये गरीब है ये अमीर है। उस केस में पोटेंशियल गेन होगा, क्या होगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन को प्लस आई इंटू आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस आई आर। करंट ऐसे चल रही है जिसे गरीब से अमीर, और लूप में ऐसे चल रहा है जिसे गरीब से अमीर, तो पॉजिटिव से गरीब से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वी लिखेंगे। अब इन तीन बेसिक चीज़ों को देखते हुए अब हमारा टारगेट है आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में लिखवाना। तैयार हो, पक्का, चले एक क्वेश्चन से बात करते हैं, एक क्वेश्चन से बात करते हैं। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में परफेक्ट हो जाओगे। चलिए लिखिए, आपके पास एक रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ, ये 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर, 20 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। मैंने आपसे बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए बिटवीन ए टू बी, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी। भाई साहब इधर ये है ना, अब मान लिया कि करंट सर ऐसे चल रही है, यहाँ पे दिया है, रिप्रेजेंट किया कि करंट की डायरेक्शन ये, और करंट की वैल्यू भी उसने बता दिया कि 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर। तो कैसे लिखो, ध्यान समझना, मिस ना होने पाए। यहाँ पे सर पहले लिख लो इसको बढ़िया से, सर वी ए,
पहले सर्किट में पॉजिटिव निगेटिव मार्क कर डालो पूरा। क्या भाई? सर आपने बताया था करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव, तो मैंने लिख लिया पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव, करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, छोटा डंडा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, पहुंच गए बी तक, करंट की डायरेक्शन पहुंच गए। तो अब क्या करना है भाई? सर यहाँ चलेंगे, अब अमीर से गरीब हो रहे हो, अमीर से गरीब, तो कितना माइनस लिखोगे? कितना करंट है 2 एम्पियर और यहाँ पे सॉरी रजिस्टर है 2 ओम का, कितना 2 ओम का, वोल्ट नहीं 2 ओम होता है रजिस्टर की यूनिट, तो यहाँ पे कितना आई इंटू आर, आई की वैल्यू 2 इंटू आर की वैल्यू 2, आई आर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ सर। सर अमीर से गरीब हो गए माइनस 10 सर, ये अमीर थे गरीब हो गए, पॉजिटिव थे निगेटिव हो गए, माइनस 3 इंटू आई की वैल्यू 2, आई इंटू आर लिख रहे हैं, आई की वैल्यू 2 आर की वैल्यू 3, यहाँ पे गरीब से अमीर प्लस 20, कहाँ पहुँच गए? सर यहाँ पहुँचना था तो यहाँ पहुँच गए, इक्वल टू वी बी, कहाँ पहुँच गए? इक्वल टू वी बी। चलो भाई इधर आ जाओ, तो अब क्या करेंगे? वी ए सर ये चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी सर? 4 हो गया, ये कितना भाई साहब? दिस इज 10 प्लस 6 माइनस 20, तो ये वैल्यू क्या हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? 0 सर। सर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ये तो बाई चांस आया ना पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच का 0 होता है तो देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट साहब। जब पोटेंशियल, अच्छा जैसे पानी होता है ना भाई साहब, पानी यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो ऐसे ये पोटेंशियल है, बैटरी है भरी है यहाँ पे, इट इज मच हाइयर पोटेंशियल, इट इज हैविंग मच मच हाइयर एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल कम है यहाँ पे, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल सर। तो साहब यहाँ पे जब बी से ये दोनों का डिफरेंस ही 0 है, मतलब ये भी बी ए लिखा जाए, इसमें कोई करंट तो फ्लो ही नहीं करेगी, लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होने वाला। तो दूसरे क्वेश्चन से बात कर लें, मान लें कि ये बैटरी, ये रजिस्टर ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, करंट दिया है 3 एम्पियर, ये 5 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर, 8 ओम का रजिस्टर, 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर, बढ़िया सर। ध्यान से देखियो भाई, गलती ना होने पाए अमीर गरीब में, और इसी से पूरी सर्किट थ्योरी सॉल्व होती है, ध्यान से देखना। चलो सर मैं तो यहाँ से यहाँ चलना सीखूँगा, तो पहला डंडा बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, सर पॉजिटिव निगेटिव, छोटा डंडा निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पहुँच गए। चलो भाई लिखना सीखो, वी ए क्या सर? वी ए ठीक, अमीर से गरीब माइनस फाइव सर, माइनस फाइव वोल्ट सर, पोटेंशियल लिख रहे हैं भाई, वोल्टेज लिख रहे हो, तो 5V है ना, अमीर से गरीब -5 सर। पॉजिटिव से निगेटिव, ध्यान से देखियो, पॉजिटिव से निगेटिव सर, मतलब गरीब, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, आर की वैल्यू 2 सर, पॉजिटिव से निगेटिव, अमीर से गरीब माइनस, भाई अमीर से गरीब होगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस होगा सर, ये माइनस आई इंटू आर, आई की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 8, ओके सर यहाँ पे गरीब से अमीर प्लस 4 सर, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव 2 ओम का है, तो पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 2 इंटू माइनस 3 एम्पियर है भाई, 3 इंटू आर की वैल्यू 2 इक्वल टू सर वी बी, हमें चाहिए वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया सर? 5 प्लस 6 प्लस 24 24 माइनस 4 प्लस 6 सर, तो ये वैल्यू कितनी? 24 6 30 30 और 11 41 माइनस 4, तो वैल्यू कितनी हो गई? 37 आ गया भाई पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब कौन है? ये ज़्यादा पोटेंशियल पे है कि ये वाला?
सोच के बताना ये वाला ज़्यादा पोटेंशियल पे है कि ये वाला। अगर दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो विच वन इज हायर पोटेंशियल। यस सर, ए वाला ज़्यादा पे है और बी वाला बेचारा कम पे है, इट इज़ अ डिफरेंस। क्या है सर? इट इज़ अ डिफरेंस। सर एक दो क्वेश्चन और तगड़ा करा दो बढ़िया वाला। लो भाई एक क्वेश्चन और ले लो खटाक से, एकदम तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, पूरी सर्किट थ्योरी का पूरा मज़ा आएगा पूरा। चले साहब, एक एक छोटा डंडा बड़ा डंडा, सर बड़ा डंडा छोटा डंडा, यहाँ पहुँच गए सर। ओके सर, यहाँ पे कैसे बना दिया मैंने ऐसे? अच्छा चलो ये ऐसे ही बना देते, ऐसे ही बना देते भाई, अपन तो जादूगर हैं। चलो ये 5 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का रजिस्टर, 8 वोल्ट की बैटरी। मुझे कुछ याद नहीं है भाई, ऐसा नहीं सर याद करके आए हैं, याद नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लोगे, पूरी सर्किट में मज़ा करोगे, घूमते फिरोगे। फिर ये यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर, 8 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर, 5 वोल्ट की बैटरी। भाई साहब इधर, अब यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, ये 3 ओम, 2 ओम का रजिस्टर, 2 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम का रजिस्टर, 6 वोल्ट की बैटरी। इसमें बताया कि सर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, हमें क्या क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है वी ए माइनस वी बी लिखना है, और वी ए माइनस वी सी लिखना है, और क्या लिखना है, वी बी माइनस वी सी भी लिखना है, सब लिखना भाई इसी में, सब जितनी प्रैक्टिस है आज ही कर डालो। सर मैं इसमें करंट भी दे दिया, ये 2 एम्पियर की इसमें करंट है इस डायरेक्शन में, सर इस डायरेक्शन में गई, यहाँ से ऐसे दिया है 4 एम्पियर की, कितनी 4 एम्पियर की करंट, 4 इधर से आई, 2 इधर से भाई, 4 इधर से आने वाली, ये भी आने वाली, तो ये जाने वाली हो जाएगा। अगर 2 इधर से, ये इधर से आ रही है, इधर से ये, इधर से ये, तो जाएगी कितनी सर, 7 एम्पियर की, सॉरी 6 एम्पियर की करंट जाएगी इधर। तो इसमें करंट की डायरेक्शन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में आपको बताना खुद पड़ेगा किस में कौन सी करंट जाएगी, एक लेक्चर बाद। चले भाई, पहला हम लिखाना सिखाएंगे वी ए माइनस वी बी। चलो ए से चलना चालू करेंगे, तो वी ए सर पॉजिटिव निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सर करंट के अपोजिट चले, करंट उधर से आ रही है, तो बड़ा डंडा पॉजिटिव ही होगा, छोटा डंडा निगेटिव। अब ये करंट एक्शन में है, पहले मार्क किया है करंट एक्शन में, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये मार्क है आपका, पहले मार्क ही कर डालो भाई, बड़ा डंडा पॉजिटिव निगेटिव, करंट एक्शन पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, हो गया भाई, लो पहुंच गए। अब हम इसमें लिख रहे हैं ए से बी जा रहे हैं, कहाँ से, ऐसे जाऊंगा ऐसे। तो सर यहाँ पे 3 वी ए लिख दिया, 2 एम्पियर करंट माइनस 3 × 2। ओके सर, अमीर से गरीब माइनस 8, सर 2 ओम का माइनस 2 × I की वैल्यू भी 2 ओम है सर। सर यहाँ पहुँच गए, ये पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 5, सर ऐसे आ गए, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 6 सर। सर यहाँ पे आई आर याद रखना भाई, आई आर गलती मत कर देना, अमीर से गरीब माइनस 5 ओम का रजिस्टर और करंट की वैल्यू 6। सर यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 2, सर आई आर 6 × 12 माइनस 12 इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, वी बी। अब सब वैल्यू भाई जोड़ो घटालो, इतना तो कर ही सकते हो, क्लास 11 12th में हो अगर तो। ये सर वी ए है, यहाँ पे इसको बाकी सब उधर भेज दो। चलो सर ये तो ठीक है, ये वाला बता दो थोड़ा सा, ये वी ए माइनस वी सी। ए से चलेंगे सी पे, भाई देखना थोड़ा, करंट के अपोजिट चलना सीख रहे हो, नदी की उल्टी धारा। सर वी ए माइनस 3 × 2 गरीब अमीर से गरीब माइनस,
सर अमीर से गरीब माइनस 8 वोल्ट, सर अमीर से गरीब माइनस 2 × 2, सर पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 5। अब उल्टा यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव माइनस 8, यहाँ पे याद रखियो गरीब से अमीर हो गए भाई ये तो, अब गरीब से अमीर हुए तो प्लस लिखना वोल्टेज ड्रॉप, तो कितना 3 × करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, कितना करंट कितना है 4 एम्पियर। सर अमीर से गरीब माइनस 5 इक्वल टू VC, लो भाई VA माइनस VC आ गया, इसको इधर ले आओ बाकी से उधर कर दो, ख़त्म कर दें क्या कुछ, ले कर दो भाई, सर करके भी तो 1-2 दे दो, VA माइनस VC सब हमारे ही ऊपर है। सर ये 6 हो गया, ये प्लस 8 हो गया, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 5 बच्चे हैं सर, तो ये वैल्यू कितना है सर 6, 4, 10, 10 और 16, 10 और 16, 26, 26 और 5, 31, 31 में से 5 ये घटा दो 26 ही बचा, 26 − 12 = 14, 14 वोल्ट आ गया सर, करेक्ट आंसर। सर ये भी कर दे, कहने का मतलब कर ले जाओगे यार टर्मिनल वोल्टेज, समझ में आया कि नहीं आया भाई बता दो, अभी फिर से बता दूंगा आया कि नहीं आया। आया सर, अब तो 3-4 क्वेश्चन हो गए, अब जो हम चीज़ बात करने जा रहे हैं उसके भी बारे में देख ले भाई साहब, किरचॉफ करंट लॉ जिसको बोलते हैं KCL, बहुत सारे बच्चों को मतलब चर्चा रहती है किरचॉफ साहब की, क्लास 12th में तो चर्चाएं ही हैं, ऐसे समझें किरचॉफ साहब हीरो हैं इस चैप्टर के। तो किरचॉफ साहब बोले थे द किरचॉफ करंट लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इंटरिंग एट जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ऐसे बोले कि सर अलजेब्रिक सम जो होता है करंट इंटरिंग इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग। भाई ये ऐसे हैं, जितना करंट गई है उतना करंट नहीं निकली तो बवाल हो जाएगा, मतलब कंफर्म है कि जितना इंटर की है सर्किट में उतना से लीव करोगी है, या यूं बोल सकते हो कि आई मान लो I1 इंटर हुई I2 इंटर हुई और लीव कर रही है I3 I4 लीव कर रही है, या यू बोल सकते हो सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इक्वल टू जीरो। अब देख लेंगे बाद में क्या करना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन शुड बी जीरो, मतलब आपको ये ऐसे समझें ऐसे 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 सर, सर ये मान लो कि साहब 3 एम्पियर की करंट ऐसी थी 4 एम्पियर की ऐसी थी, ये दोनों इस जंक्शन है ये, अब जंक्शन कैसे सहागन जंक्शन है जौनपुर इज जंक्शन, देर आर टू लाइन्स मीटिंग, देर आर टू वायर्स इज मीटिंग एक्चुअली, और इसके बाद क्या है एक तीसरा निकलेगा चौथा निकलेगा, ऐसे इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेशन और इसको क्या बोलते हैं जंक्शन, ये तो पता ही होगा सर। अब जानने वाली बात यह है 3-4, तो ये वाली कितनी जाएगी सर 5 एम्पियर, ये बेसिक है कि सम ऑफ ऑल द करेंट सॉरी दिस 7 एम्पियर, वेक्टर थोड़ी ना है 5 हो जाएगा, करेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, सो सर 3, 4, 4 और 3, 7, 7, 3 आ रही थी 4 आ रही थी, जाएगी कितनी 7 जाएगी, तो ये किरचॉफ का नियम है। अब सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे बात ये है, तो अप्लाई कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं, मतलब आपने तो एक बात बता दी कि सम ऑफ इंटरिंग करंट इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट, ओके अब इसका एप्लीकेशन समझना ज़रूरी है भाई, एप्लीकेशन देखते हैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ये बैटरी रजिस्टर, ये सर ऐसे, ये बैटरी, ये रजिस्टर, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर, 4 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम, ये भी 6 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम का रजिस्टर,
यहाँ पे सर 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रजिस्टर, 2 ओम का रजिस्टर, वोल्ट मत लिख देना। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये है -20 पे, -20 वोल्ट यहाँ पे इसका वोल्टेज, और ये सर है +10 पे, और ये है सर +5 पे। अब इसमें हमें क्या बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल, ये बताना है। फाइंड आउट या ऐसे लिखे, फाइंड आउट थोड़ा सा सही नहीं होता, डिटरमाइन लिख दो भाई, डिटरमाइन वोल्टेज एट जंक्शन। भाई जंक्शन पे कितना वोल्टेज है ये बताना है। अब मुझे पता थोड़ी ना है कुछ चीज़, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि चाहे करंट आ रही हो चाहे जा रही हो, चाहे आ रही है चाहे जा रही है, सबका समेशन क्या होगा, इस पॉइंट पे 0 होगा, मुझे बस इतनी बात पता है। तो इसको हमने पोटेंशियल लिख लिया सर एक्स, क्या लिख लिया एक्स। अब आपने क्या पढ़ा, सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट जंक्शन आइदर इंटरिंग और लीविंग इक्वल टू 0, सबका समेशन 0 होना भाई, यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट है। तो सर अब ये समेशन कैसे करेंगे, बात ये मान लो भाई, मैंने मान लिया सर करंट इसमें आई वन गई, ये करंट आई वन गई, यहाँ पे आई टू गई, यहाँ पे आई थ्री गई। अब आपसे क्वेश्चन ये करोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि तीनों निकल रही हूँ, इधर से भी ये भी निकल रही है, ये भी भाई कहीं तो आनी चाहिए, बाद में देख लेंगे ना। एक सॉल्व करोगे तो अपने आप एक निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, चिंता ना करो। अगर मैं कह दिया कि तीनों मान लो इधर जा रही है, आपका क्वेश्चन लॉजिकल तो यही, लॉजिक तो यही कहता है कि सर कहीं तो आई होगी, भाई साहब कहीं तो आई होगी तभी तो जा रही है, लेकिन सब तो आपने जाने वाली ही बता दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज इनलॉजिकल। मैंने बोला कि भाई इनलॉजिकल मान लो, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको पलट देंगे, ठीक है। आपने कहा ठीक है बिल्कुल सर, चालू करते हैं फिर तो कहानी अपनी चालू भाई। सर पॉजिटिव से निगेटिव, छोटा डंडा बड़ा डंडा, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, छोटा ये पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव, ये 5 वोल्ट की बैटरी। आपने क्या कहा कि कौन सा लॉ लगाया, किरचॉफ करंट लॉ, क्या कि I1, I2, I3 बराबर 0। चलो I1 की वैल्यू लिखो, यहाँ पे x पोटेंशियल है, ध्यान समझना, यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है -20, तो डिफरेंस कैसे लिखोगे, यहाँ पे x माइनस डिफरेंस, भाई डिफरेंस तो माइनस होता है, तो x माइनस यहाँ का खुद का पोटेंशियल सर -20 है, डिफरेंस हो गया सर, ये दिस इज डिफरेंस। सर ये भी तो डिफरेंस है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, ये भी तो डिफरेंस है सर, -4 वोल्ट की बैटरी है सर, मैंने कहा ये भी ले लो भाई। तो आपने कहा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ये ऊपर हो गया V, अरे भाई V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो सर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आपने लिख दिया है, क्या है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आपने लिख दिया है, यहाँ पे यहाँ से चालू किया था, ये हाइयर माना था तो डिफरेंस इसका लिख दिया। अब ये ऐसे जा रहे हो तो अमीर से गरीब से अमीर हो रहे, तो इसको +4 लिखिएगा, ये छोटी डंडी है ना भाई, करंट ऐसे माने हो तो ये तो डिफरेंस हो गया, ये भी सर बढ़िया कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम सर, V बाई आर हो गया। अब यहाँ पे बात करते सर, X से अमीर से गरीब -6 सर, यहाँ पे +10 है, -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 सर,
यहाँ पे काम करो, दो ही रखो, दो ओम का रजिस्टर रखो, कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब प्लस यहाँ पे भी सर, एक्स अमीर से गरीब, माइनस कितने वोल्ट बैटरी ही नहीं दिया सर। सर एक्स माइनस दो वोल्ट की बैटरी ले लो, एक्स माइनस टू माइनस फाइव सर, डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस भी टू है सर। अब देखो ये टोटल समेशन क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो ले लो एलसीएम भाई, दो एलसीएम हो गया, ऊपर क्या हो गया एक्स प्लस बीस प्लस चार, ये प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस टेन प्लस एक्स माइनस सेवन सर। तो ये सोलह लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस तो यहाँ पर लिखो एक्स माइनस एक्स प्लस चौबीस, अरे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स लिखो ना सर, थ्री एक्स चौबीस, ये माइनस सोलह, चौबीस माइनस सोलह माइनस सात डिवाइडेड बाई टू बराबर जीरो है, तो इसका कहानी ख़त्म है भाई। तो ये वैल्यू क्या आ गई, चौबीस सोलह और सात तेईस होता है ना भाई, चौबीस मत बोल दिया। एक्स की वैल्यू क्या आई, तो थ्री एक्स बराबर कितना आया, माइनस में आ गया, देख देखो देखो, तो ये तेईस हो गया सर पॉजिटिव, उधर जाएगा तो माइनस ट्वेंटी फोर, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई थ्री सर, एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री आया। अब सारी वैल्यू देखो खुद से, एक्स की वैल्यू क्या आई माइनस वन बाई थ्री, तो आई वन बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो किससे देखो ध्यान से, तो ये आई वन है, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री प्लस चौबीस प्लस ट्वेंटी फोर बाई टू, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव। मैं तो ठीक है ये आई वन होगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, पॉजिटिव मतलब ये करंट तो ठीक है सर, ये आई वन की वैल्यू, दिस इज आई वन सर। आई टू क्या होगा, आई टू बराबर आपको दिखाऊंगा एक निगेटिव आएगा, एक्स माइनस सिक्सटीन, एक्स माइनस सिक्सटीन, तो सर एक्स माइनस सिक्सटीन लो आ गया भाई, एक्स माइनस सिक्सटीन, एक्स की वैल्यू कितना सिर्फ माइनस वन बाई थ्री, ये देखो दो दो निगेटिव टर्म के साथ खड़ा हो गया, डिवाइडेड बाई टू, ये पूरी वैल्यू निगेटिव, मतलब जो करंट आई टू माना है ये डायरेक्शन तो नहीं हो सकती सर, चूंकि निगेटिव वैल्यू आई हमारी। अगर करंट की वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद निगेटिव आए तो जो एज्यूम डायरेक्शन है वो इनकरेक्ट है, मेक इट करेक्ट सर, ऐसे होगी करंट। अब आई टू की वैल्यू ये हो गई, ऐसे आई थ्री भी बता दो भाई, आई थ्री की वैल्यू ये यहाँ पे देखो माइनस वन बाई थ्री, ये भी तो माइनस है सर, ये भी तो माइनस आएगा भाई, माइनस वन बाई थ्री माइनस सेवन बाई टू सर, ये भी तो निगेटिव आ गया सर, ये तो सही नहीं है, फिर आपने गलत किया है, ऐसे कर लो, लो भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, लो मैंने कर दिया। तो देखो दो करंट आ रही है, एक जा रही है, तो आने वाली और जाने वाली दोनों बराबर है, करके देख लेना और विश्वास ना आए। एक क्वेश्चन और करते हैं, मज़ा आ जाएगा सर। भाई साहब बहुत दिन बाद मिले हो आज, बढ़िया मज़ा आ रहा होगा सर, मिस कर रहे थे आपको। चले एक क्वेश्चन से और बात करते हैं सर, ये ले भाई दिल वाला क्वेश्चन दे दिए, तो सर दिल वाला, लो भाई दिल वाला क्वेश्चन, ये दिल वाला है क्या, दिल वाला प्रॉब्लम आ गई सर, ये पॉजिटिव एट वोल्ट की बैटरी, कितना एट वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे करंट ले लो सर, यहाँ पे तीन ओम का रजिस्टर, चार वोल्ट की बैटरी सर, यहाँ पे भी ले लो आठ वोल्ट की बैटरी, कुछ गलत हो जाएगा, छः वोल्ट की बैटरी ले लो, दो ओम का रजिस्टर ले लो, दो ओम का रजिस्टर। अब इसमें ये बताना है भाई साहब, क्या बताना है, यहाँ से I1 की वैल्यू बताना है, इसमें I2 बताना है, I1 और I2 सर कैसे होगा, फिर I1 और I2 बताना है। चले अच्छी बात है,
यहाँ पे ए पॉइंट मान लिया सर, यहाँ पे बी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट लेट कर लिया, ये डी पॉइंट लेट कर लिया। करने का तरीका ध्यान से देखो कि सर मैं तो लूप में चलूँगा। मैंने कहा कि भाई यहाँ चलना चालू करो, ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाओ, एक चक्कर लेना, तो जानते हो ना चक्कर ले लें इसमें। सर चक्कर कैसे लूँ? अपनी मर्जी से ले लो, जो आप चाहो ले लो। मैं तो ऐसे लूँगा सर, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो ऐसे लूँगा। जो भी लेना, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आए मतलब आपका चक्कर लेना उसी डायरेक्शन में सही था, और अगर आपने आपकी वैल्यू निगेटिव आ गई तो इसका मतलब चक्कर लेना गलत पड़ गया। इसका मतलब करंट शुड बी इन निगेटिव डायरेक्शन, जो माना है उसके अपोजिट फ्लो कराओ। चले तो यहाँ से ए से मैं चलना चालू कर रहा हूँ सर, यहाँ पे आते हुए यहीं पे लिखूँगा, चले एक पूरे लूप में, पूरे लूप में चक्कर ले रहा हूँ। तो अभी इसको बोलते हैं केवीएल, बोलते हैं करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लेकिन मैं लूप में चक्कर लेना आज तो आज सिखा ही दूंगा। बाद में केवीएल पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो सर यहाँ चालू किया सर वी ए, सर करंट मैंने ऐसे माना पॉजिटिव निगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव निगेटिव ऐसे, तो वी ए माइनस आई वन इंटू थ्री सर। ओके आई वन करंट माना ना भाई? नहीं सर, हम तो आई टू माने, आई टू मान लो, ये पॉजिटिव से निगेटिव माइनस फोर सर, यहाँ से आए पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव प्लस एट इक्वल टू सर वी ए, जहाँ से पहुँचाना था वहीं पहुँचा दिया सर, वी ए ने वी ए को मार दिया। देख लो भाई सीधा सीधा मिल रही है, थ्री आई टू बराबर, थ्री आई टू उधर कर दिया, ये बराबर फोर सर, आई टू की वैल्यू आ गई, जो चक्कर लेना था हमारा सही था भाई, चक्कर लेना सही हो गया, फोर बाई थ्री एम्पियर। अभी यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी देख लो यहाँ से ऐसे जाते हुए, सर पहला बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा निगेटिव, करंट एक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यहाँ पहुँच गया सर, यहाँ पे भी देख लो। तो ये वैल्यू क्या है सर? वी ए, यहाँ चालू किया सर मैं तो ऐसे चलूँगा, पॉजिटिव बड़ा डंडा से छोटा डंडा माइनस सिक्स वोल्ट, ये पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन करंट क्या माना है आई वन, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस टू इंटू आई वन सर, माइनस टू इंटू आई वन सर, पहुंच गया छोटा डंडा से बड़ा डंडा प्लस एट इक्वल टू सर वी ए, जहाँ चले तो वहीं पहुंच गए। तो भाई इसको काट दो, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? टू आई वन सर बराबर, वो चक्कर लेना ठीक था मतलब क्या? टू आई वन बराबर टू, तो आई वन की वैल्यू एक एम्पियर, तो इसमें कितना बही? वन एम्पियर की करंट बही, और इसमें कितना बही? फोर बाई थ्री की बही। इसमें मैंने बोला ठीक है, इसमें तो बता दो भाई, इसमें तो बताओ, तो आपने कहा कि इसमें सर इधर से आई आई टू, सॉरी आई वन आई, इधर से आई आई टू, तो जाने के लिए तो रास्ता एक ही है भाई। तो केवीएल क्या, केसीएल क्या बोलते हैं? सम ऑफ इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, जंक्शन पे आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही, जाने के लिए एक ही रास्ता है, जाएगी इधर, तो इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो हुई? तो आप कहोगे सर दिस इज आई वन प्लस आई टू। मैंने बोला अच्छी बात है भाई, लिख लो आई वन की वैल्यू वन प्लस आई टू की वैल्यू फोर बाई थ्री, तो वैल्यू कितनी आ गई? तीन चार तीन सात बटे तीन, तो सेवन बाई थ्री एम्पियर सर। बढ़िया आया कि नहीं आया? और भी सर थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दो, मज़ा आ जाए आज, आज पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आज आपको बहुत दिन बाद होश नींद खुली होगी सर। अरे तो जेई भी देना है, नीट भी देना सर, एग्ज़ाम तो अब सर पे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा ना? डरने की कोई बात नहीं भाई, आपन है ना, पढ़ाएंगे जम के। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोलते हैं नोडल एनालिसिस, याद रखें नाम क्या है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत सारे उड़ाए जा सकते हैं, ये एक टेक्निक है। क्या है सर? इट इज़ ए टेक्निक। टेक्निक क्या है सर? यहाँ पे ये यूँ समझें कि यहाँ पे सर x मान लियो, अपर वाली सर्किट में वोल्टेज x मान लेना जहाँ पे ना कुछ पता हो, और लोअर वाले में जीरो मान लेना बेस लाइन। सर एक ही वायर से कनेक्टेड हैं, जीरो पोटेंशियल, जीरो तार सर यहाँ जुड़ा है, तार सर यहाँ जुड़ा है, जीरो। ये एक तरीका है, ऐसा नहीं जीरो होगा, तरीका है सर। बढ़िया सर, तरीका है, ठीक है, फिर क्या है?
तो ये मान लो कि करंट इसमें गई आई वन, क्या आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर। सर ऐसे कैसे मान सकते हो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर? मान सकते हैं भाई। मान लिया कि सर चारों, सर आई वन भी जा रही है, आई टू भी, आई थ्री भी, आई फोर सब जा रही है। सर बाद में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक तो दो निगेटिव आ ही जाएगी। लेटेस्ट चेक आती है कि नहीं आती। जो आप बोलते हो केसीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, लगाओ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ लगाओ। सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट्स आइदर इंटरिंग और लीविंग। चलो सर यहाँ पे एक्स मान लो, वो आई बराबर क्या होता सर, वी बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस लिख दो, खट खट खट। तो यहाँ पे मां पोटेंशियल एक्स है सर, एक्स माइनस, सर पॉजिटिव से ऐसे आ रहे हो करंट, बड़ा डंडा छोटा डंडा, माइनस फोर। सर यहाँ पोटेंशियल जीरो, माइनस जीरो, रेजिस्टेंस की वैल्यू टू, आई वन हो गया सर, लो आई टू लिख दो। सर एक्स माइनस, पॉजिटिव से निगेटिव, माइनस टू। सर ये जीरो मान लो, जीरो अपन रेजिस्टेंस कितना, चार ओम, लो आई टू भी मिल गया। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस, ये बैटरी नहीं दिया सर, ये तो बैटरी दो वोल्ट की बैटरी लिख लो, दो वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे चार वोल्ट की बैटरी, बाद में कहो बैटरी नहीं दिया सर आपने। तो एक्स माइनस, सर ये गरीब से अमीर हुआ है सर, ये तो गरीब से अमीर, प्लस टू, यहाँ पोटेंशियल जीरो, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस चार ओम सर, प्लस यहाँ पे एक्स माइनस, पॉजिटिव से निगेटिव, माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस जीरो सर, यहाँ का जीरो, इसमें आई फोर माना है, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू सर टू। तो यहाँ से आई वन, आई टू, आई थ्री सॉल्व करें तो यहाँ पे टू है सर, यहाँ पे दोनों तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं सर टू एक्स माइनस एट प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ पे प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। सर टू एक्स, थ्री एक्स, फोर एक्स, फोर एक्स और ये सिक्स एक्स बराबर, ये आप माइनस एट, माइनस टू, माइनस टेन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस एट, माइनस एट और माइनस आठ, माइनस सोलह उधर गया, तो प्लस सोलह। एक्स की क्या वैल्यू है, सोलह बटे छः, आठ बटे तीन, आठ बटे तीन वोल्ट, पॉजिटिव है नेगेटिव। अब तो सर ये मुझे पता नहीं कि एक्स की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, लिख दो भाई आठ बटे तीन पोटेंशियल। अब देखो करंट दे जैसा आपने माना है, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था निकालने के लिए, भाई प्रॉमिस भूला मत करो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या, एट बाई थ्री, तो यहाँ पर रखो एट बाई थ्री माइनस फोर बाई टू, ते वैल्यू कितना, आठ चार त्याई बारह, एट माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स, वैल्यू क्या आ रही है, जैसे माइनस फोर बाई सिक्स, माइनस टू बाई थ्री सर माइनस आ गई, दिस इज आई वन सर, क्या मिल गया आई वन, निगेटिव आ गया सर, मतलब इसमें तो करंट ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जाएगी। आई टू भी देख लो, ठीक किया हो ना भाई, आठ बटे तीन सब ठीक है सर। यहाँ पे एक्स माइनस टू बाई फोर, यहाँ पे भी लिख लो एट बाई थ्री, यहाँ रफ कर दे रहा है, एक्स की वैल्यू एट बाई थ्री, एट बाई थ्री माइनस टू बाई फोर, तो छः दुनी तीन दुनी छः, दो बटे चार, ये वैल्यू कितनी, ठीक है ना सर, तीन दुनी छः, हाँ यस, तो सिक्स यहाँ पे बचा सिक्स, एट माइनस सिक्स टू, टू बाई ट्वेल्व, एक बटे छः, वन बाई सिक्स। सर ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये करंट डायरेक्शन सही है सर, निगेटिव नहीं आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे आ जाओ थर्ड वाले में, ये एट बाई थ्री प्लस टू बाई फोर, तो वैल्यू कितना, आठ छः, छः आठ छः चौदह, चौदह बटे चार त्याई बारह, चौदह बटे बारह, ठीक सात बटे छः, पॉजिटिव आ रही है, सही है सर।
ये आई थ्री हो गया, ये आई टू हो गया सर, अभी आई फोर बाकी ही है, आई फोर तो अभी छोड़ा है सर ये, तो एट बाई थ्री माइनस फोर बाई टू चार त्याई बारह, ठीक है ना, यह सही है सर। ये वैल्यू कितनी, वैल्यू वही है चार त्याई बारह, बारह माइनस चार बटे माइनस फोर बाई ट्वेल्व, माइनस फोर बाई सिक्स, तो माइनस टू बाई थ्री सर इसको भी आ गया सर, माइनस टू बाई थ्री, एट बाई थ्री, वन बाई सिक्स, अब ठीक है सर। इसका मतलब क्या है साहब, दो निगेटिव आ गए दो पॉजिटिव, मतलब ये इंटर कर रही है सर, ऐसे माना था लेकिन उल्टा हो गई सर, आई फोर भी निगेटिव आ रहा है, ये भी क्या रहा है निगेटिव, दोनों एक ही चीज़ है सर, ये देख लो भाई, विश्वास ना हो तो वैल्यू देख लो, टू बाई थ्री इधर कर दो तो टू बाई थ्री इधर, तो फोर बाई थ्री, चेक करो क्या फोर बाई थ्री, भाई चेक करो ना सर, इधर से टू बाई थ्री, इधर से टू बाई थ्री, बचा कितना, यहाँ पे बचा करंट कितनी पहुँच रही है सर, फोर बाई थ्री पहुँच रही है, टू बाई थ्री इधर से, टू बाई थ्री इधर से, जाने के लिए दो करंट, देखो ये कितना आ रही है सर, ये वन बाई सिक्स है, ये फोर्टीन बाई, यस फोर्टीन बाई ट्वेल्व है ना, तो सात बटे छः लिख दो, इतना क्या सोच रहे हो, सात बटे छः लिख दो कोई ऐसा, तो देखो देखो कितना, सात बटे छः, सेवन बाई सिक्स, कितना, सेवन बाई सिक्स, सेवन बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स, तो सिक्स आठ, हाँ तो गया चार बटे तीन, चार बटे तीन, जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा है आपने, तो इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस, क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस बन गया होगा आज आपका, कल इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सर्किट थ्योरी चलती रहेगी और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अपन, तो बहुत दिन के बाद आज आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।